विश्व बंधुत्व की बात की, या जो है मानव मात्र में समानता देखा, विभेदता उन्होंने नहीं देखा, तो समझ लेना वो इनलाइटमेंट से प्रभावित राइटर है। उसकी टेंडेंसी कैसी है? उसकी टेंडेंसी आपकी इनलाइटमेंट वाली है। चलो, इनलाइटमेंट बहुत कर लिए आप लोग, अब आ जाओ इपिक पे। इपिक क्या चीज होती है? इपिक क्या है? इपिक पहली चीज आपकी एक नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब कहानी होती है, समझ रहे हैं? नॉर्मल कहानी नहीं है ये, थोड़ा अच्छी वाली कहानी है। और अच्छी वाली कहानी का मतलब देखा जाएगा। देखो, इस इपिक के दो सेंस होते हैं। एक जो मेन वाला सेंस है वो तुमको सबसे नीचे मिलेगा। सबसे नीचे कहाँ मिलेगा? ये यहाँ मिलेगा इस बुक में। आप जब पढ़ेंगे ये इस पैसेज से आपको इपिक का असली सेंस पता चलेगा, जो उन्होंने पहले पैसेज में आपको कहा ना, नैरो सेंस में। तो इसके ऊपर सब नैरो सेंस बताया गया है, यहां से आपका ये ब्रॉड सेंस शुरू है इस पैसेज में। तो सबसे पहले नैरो सेंस, उससे आप परिचित हैं, तो जिससे आप परिचित हैं पहले उस पर चर्चा कर ली जाएगी। फिर अभी आप परिचित किससे हो? नैरो सेंस से परिचित हो। इपिक मतलब जो नैरो वाला है, वही नैरो वाले आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, वही प्रचलित है। जो ब्रॉड सेंस है नीचे के पैराग्राफ में दिया है। तो पहले नैरो सेंस को हम पढ़ते हैं। देखो, इपिक का नैरो सेंस क्या है? इपिक का नैरो सेंस वो है जो इपिक को तुम समझते हो, जैसे स्ट्रिक्ट सेंस, यही मैं इसको नैरो सेंस बोला हूं। तो इपिक स्ट्रिक्ट सेंस में क्या है? इपिक या हीरोइक पोएम, ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि इसमें फॉलोइंग क्राइटेरिया होने चाहिए, ये बिंदु इनमें होना चाहिए। पहला क्या है? लॉन्ग वर्स नैरेटिव। कहने का मतलब वर्स में एक कहानी होगी और वो छोटी नहीं होगी, वो काफी बड़ी होगी, और इतनी बड़ी होगी कि उसको लिखने में कई बुक आपको डील कराना पड़ेगा, मतलब वो कई बुकों में जो है वो आएगी। और इसका जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सीरियस होगा। सीरियस सब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हो? सब्जेक्ट सीरियस का मतलब ये होगा कि उसमें मनोविनोद वाली बातें नहीं होंगी, उसमें जोकर नहीं शामिल किए जाएंगे, उसमें ह्यूमर नहीं डाला जाएगा, समझ रहे हैं? उसमें जो भी चीजें होंगी उसमें प्रेम भी दिखाया जाएगा, तो प्रेम का जो एक आदर्श मानक होता है उस आधार पे दिखाया जाएगा। वो उआने वाला प्रेम नहीं दिखाया जाएगा जैसा कि आप शाहरुख खान की मूवी में देखते हैं, वो वाला प्रेम आपको नहीं दिखाया। आइडियल लव तुमको वहां पे, लव भी दिखाया जाएगा, तो उसका जो आइडियल वे है, आइडियल वे क्या होता है? जैसे लव आप घर पे भी करते हैं, आप अपनी पत्नी से करते हो, तो वो कहने का मतलब लाइसेंस्ड वे है, आप उसके साथ गर्व के साथ बोल सकते हो। और एक जो उंगाने वाला लव होता है वो, उसको आप सबके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ चीज होंगी वो सीरियस वे वाली होंगी, जो भी चीज होगा वो सब सीरियस वे में होगा। मैटर होगा वो आपका सीरियस होगा, सब्जेक्ट होगा वो आपका सीरियस होगा, थीम जो होगी थीम भी आपकी सीरियस होगी। सीरियस थीम जो है, सीरियस थीम, तो सीरियस थीम वही होती है कि आप उसमें जो है ये कॉमेडी वाले या जो है ये सब हल्की स्टेटमेंट, ये सब आप उसमें सब गायब करेंगे। अब ये होती है आपकी क्या? टोल्ड इन फॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल, तो सबसे पहले ये समझ लो फॉर्मल क्या चीज होती है। फॉर्मल, हमने ग्रामर में आपको क्या बताया था? फॉर्म, फॉर्म से आपका फॉर्मल बना है। तो फॉर्म क्या चीज होती है, कुछ बताओगे आप लोग? फॉर्म क्या चीज होता है? ग्रामर में हमने बहुत फॉर्म यूज किया है, फॉर्म फॉर्म फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या? जैसे हमने बताया कि ग्रामर सबसे ज्यादा कम महत्वपूर्ण क्या चीज उसमें ग्रामर में होती है, अगर जो ग्रामर आप मीनिंग के आधार पे कर रहे हैं तो वो उसका वैल्यू कम होती है। फॉर्म के आधार पे करते हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है मीनिंग की तुलना में, अगर जो आप फंक्शन के आधार पे करते हैं तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो इस फॉर्म का मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये फॉर्मल जो लिखा गया है, फॉर्म सर लिखा गया, जिसको इसका मतलब देखकर क्या हो सर गया? सर जिसको हाँ, देखकर पता लग जाए। देखकर, हाँ देखकर पता लग जाए। और देखकर किस चीजों को पता चलता है? देखकर आप उन्हीं चीजों को पता कर पाते हो जिसको तुम पहले से देखे हो। जैसे मैं बोलूं सेब, तो सेब आपने पहले से देखा है कि नहीं देखा है? अब आप बताओगे हाँ सर, गोल होता है, ऊपर थोड़ा सा चिपटा होता है, नीचे थोड़ा सा चिपटा होता है, यूजुअली आपको लाल कलर का मिलेगा या कभी कभी हरे रंग का भी मिलेगा। ये आप, ये डिस्क्रिप्शन मैंने फॉर्म के आधार पे आपको दिया, ठीक? तो ये फॉर्म कैसे बनता है? ये फॉर्म जब मैंने पहले सेब को देखा है, मैं उस सेब के बारे में जानता हूं, मेरे मम्मी पापा ने सेब का मुझे सेट रूल बताया है कि सेब होगा तो गोल ही होगा,
ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो फॉर्म में आपका पहले से क्या होता है, पहले से रूल सेट होते हैं। वो रूल जो फॉर्म, जैसे हमने कहा ये चीज फॉर्मल है, तो फॉर्मल में क्या होता है, वो रूल पहले से ही सेट होते हैं। जैसे मैंने बोला फॉर्मल ड्रेस, कल आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है, तो इस ऑफिस के जो पहले से रूल बने हैं ड्रेस के लिए, उन्हीं के तहत आप आएंगे। फॉर्मल पोएट्री है तो वो कोई एक फॉर्म को अपनाता है, जैसे ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स तुरंत तुम बनाते हो कि या ब्लैंक वर्स पहले से बनी है? बताओ, ब्लैंक वर्स के रूल पहले से वो बना है कि ब्लैंक वर्स में आपको ऐसे ऐसे करना है, 5 फुट डालोगे, 1 फुट उसका एम्बस वाला होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये जो आपकी पोएट्री होनी चाहिए फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल का मतलब इसमें जो आप चीजें यूज करेंगे, जो आप शब्द यूज करेंगे, जो थीम यूज करोगे, वो पहले से निर्धारित है, पहले से वो चीज विद्वानों द्वारा बना दी गई है कि आपको इसी शेप के अंतर्गत डालना है, आपको यही यही शब्द यूज करने हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे लैटिन शब्द तुमको यूज करने हैं, तुमको ग्रीक के वर्ड यूज करने हैं, तुमको गिने चुने जो कुछ शब्द हैं वही आपको लगाना है। आपको जो कहने का मतलब, जो पहले से स्टाइल निर्धारित है, उन्होंने बता रखा है कि हाँ आप इसी रास्ते से चलेंगे, यही पैटर्न है, यही जो है दशा दिशा इसकी है, इसी को बोलते हैं फॉर्मेलिटी। जो फॉर्मेलिटी का मतलब जो चीजें पहले से ही निर्धारित हैं, उनकी शेप साइज से आप अवेयर हो, बात समझ रहे हैं? तो फॉर्मेलिटी का मतलब यहाँ ये है। वो किसमें कहा जाता है, फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। तो फॉर्मल मतलब वो किसमें बोला जाएगा, फॉर्मल स्टाइल में बोला जाएगा। और फॉर्मल का मतलब क्या होता है, पहले से निर्धारित रूल एंड रेगुलेशन। तो पहले से निर्धारित इपिक के लिए रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि आप शब्दों का चयन करेंगे ग्रीक वाले, आप शब्दों का चयन करेंगे लैटिन वाले। ये नहीं कि तुमको बोलना है अच्छा, तो अच्छा के लिए तुमने गुड यूज कर दिया, ना, गुड यूज नहीं करोगे। गुड का इंग्लिश में, सॉरी, गुड इंग्लिश का जो शब्द है, इसका लैटिन में तुम जाओ देखो क्या मतलब इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो जो गुड को वहां जो बोला जाएगा, जैसे मुझे बोलना हुआ कि म्यूज, मुझे बोलना हुआ सरस्वती जी, तो मैं इसकी बजाय बोल रहा हूँ मिनार्वा। तो जो मैं ये मिनार्वा शब्द यूज कर रहा हूँ, ये फार्म जो है कहने का मतलब, इस परिप्रेक्ष्य में ये फॉर्मल वर्ड है, ये आपका एलिवेटेड माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं, एलिवेटेड नहीं माना जाएगा, ये आपका माना जाएगा फॉर्मल, क्योंकि ये जैसे निर्धारित है कि तुम लैटिन के वर्ड आपके ज्यादा यूज करेंगे, ग्रीक के वर्ड आप ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, एलिवेटेड क्या चीज होती है आप बताओ, जैसे स्टाइल इसकी एलिवेटेड होनी चाहिए, ये क्या चीज होती है? ये फॉर्मल तो आप समझ गए कि ये रूल जो 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 बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा, बोलने के भी पहले से नियम बने हैं कि आपको जो है इस मैनर में बोलना है, वो रूल पहले से निर्धारित है, तो आप उसी रूल में बोलेंगे। और ये जो इसकी जो ये एलिवेटेड शब्द है, ये क्या चीज होता है, एलिवेटेड क्या चीज होती है, क्या चीज कर दोगे तो तुम्हारे टेक्स्ट को एलिवेटेड बोला जाएगा? जो आप लिख ग्रैंड रहे स्टाइल हैं, मैं ग्रैंड स्टाइल क्या होती है, आप अपने पैसेज में क्या चीज शामिल कर दोगे कि मैं उसको ग्रैंड बोलूंगा? किसी चीज को बढ़ा जैसे चढ़ाकर बोलना। जैसे पैजामा पैंट में क्या अंतर होता है, पैजामा में बोलोगे सर इसमें नाड़ा पड़ा रहता है, पैंट में बोलोगे सर इसमें नाड़ा नहीं पड़ा रहता है, पैंट में बोलोगे सर जिप लगी रहती है, पैजामे में जिप नहीं लगी रहती है। तो कौन सी ऐसी चीज तुम देखोगे टेक्स्ट में कि देखने के बाद वो बोल दोगे सर ये एलिवेटेड टेक्स्ट है या एलिवेटेड ये लेख है? उस टेक्स्ट में क्या क्या चीज तुम देखोगे, वही मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ जरा। लैंग्वेज क्या लैंग्वेज? लेवल थोड़ा हाई होगा और बड़ा चढ़ा कर उसकी हमको आप ये बताओ, मानिए। हम बता दें आपका आर्थिक स्तर बड़ा अच्छा है और उनका बड़ा लो है, तो ये अच्छा आपका आर्थिक स्तर है, उनका बड़ा हाई फाई, मतलब जैसे ये मानक बन गया कि 20 रुपए से ऊपर मैं हाई फाई मान रहा हूँ, 19 है तो मैं लो मान रहा हूँ, तो हाई फाई बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन वो मानक क्या है हाई फाई का भाई, किससे ऊपर रहेगा तो तुम हाई फाई समझोगे, किससे नीचे रहेगा तो तुम उसको हाई फाई नहीं समझोगे, वो मैं मानक जानना चाहता हूं। जैसे औसत लंबाई क्या है, औसत लंबाई बोलोगे सर 5 फुट 6 इंच, लंबा किसको बोलते हो, जो लगभग 6 फुट, 5 फुट 6 इंच से जो ऊपर है वो लंबा बोला जाएगा। मैंने बोला औसत किसको माना जाएगा, 5 फुट 6 वाले को, 5 फुट 6 इंच वाले को जो है औसत बोला जाएगा, इससे जो नीचे रहेगा मैं उसको नाटा बोलूंगा। तो मैंने तुमको एक मानक दे दिया, अब मैंने बोला नाटा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा 5 फुट 6 इंच से नीचे, मैंने बोला औसत
तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा 5 फुट 6 इंच। मैंने बोला अगर जो हम बोल रहे हैं लंबा, तो 5 फुट 6 इंच से ज्यादा। तो ऐसे एलिवेटेड में क्या क्या चीज तुम देखोगे कि उसको एलिवेटेड बोल दोगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताओ? जी, यही समझ लो, बस इपिक को तुम समझ जाओगे। लॉन्ग पोएम होगी प्रभु, लांग पोएम तो पहले ही बता दिया गया, छोटी पोएम उससे तो जो है ऊपर। आपकी वही बन। अच्छा ये बताओ, इपिक के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लांग होती हैं, तो उनको इपिक क्यों नहीं बोला जाता है? इपिक से भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, आप उनको इपिक क्यों नहीं बोलते हो? आप बताओ। कुछ डिफरेंट बताया जाता है ये पिक में। सब्जेक्ट होगा वो असाधारण होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा। कैसा सब्जेक्ट? तो मतलब पिक का सब्जेक्ट जो होगा तो सब्जेक्ट तो पहले से ही निर्धारित है कि सब्जेक्ट आपका साधारण नहीं होगा, लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? अभी जो टोल्ड, कहने का मतलब जो चीज आप बोलेंगे वो फॉर्मल होगी, तो फॉर्मल हमने बता दिया। वो जो आप बोलोगे वो एलिवेटेड होगा, तो ये बोलने में एलिवेटेड चीज क्या होती है? मैं अपने बोलने में या लिखने में, जैसे अभी यहाँ बोलने की बात नहीं हो रही, टोल्ड तो सिर्फ यहाँ लिखा है, लेकिन टोटल बात यहाँ किसकी चल रही है? रिटन की। तो राइटिंग में आपने कौन सी ऐसी चीज डाल दी कि वो एलिवेटेड हो गया? ग्रीक वर्ड्स का आप इसमें इसमें था, क्योंकि ग्रैंडियर ऑफ थॉट होगा इन्वर्शन होगा सर। है? जो इसमें हीरो होगा वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, अभी प्लेस्टेड हीरो की होगा या फिर चर्चा, इन्वर्शन होगा। हीरो की चर्चा अभी आगे होगी। इसमें थॉट्स भी ग्रैंड वर्ड्स का होंगे। चयन जो होगा ना वो अच्छा बताओ, जो वो रोमांस होते हैं, रोमांस में भी तो जो हमने बताया था, इसके पहले हमने रोमांस आपको पढ़ाया था, ठीक? एक कौन सा रोमांस था? मेट्रिकल रोमांस। उसमें भी तो हीरो हाई फाई होता है, राजकुमार ही तो होता है, राजकुमारी होती है, तो उसको आप इपिक क्यों नहीं बोल देते हो? उसमें भी तो हीरो हाई फाई होता है, उसमें तो सीधे सीधे लिखा है हीरो, या तो जनरल होगा या तो प्रिंस होगा या तो इस टाइप की कोई चीज होगा, उसको आप इपिक क्यों नहीं बोलते हो? देखो, एलिवेटेड का मतलब ये होता है कि छोटी सी भी कोई चीज होगी उसका तुम इतना हाइपरबलिक डिस्क्रिप्शन दोगे, जैसे लोटा, जग, ग्लास। तो जो हीरो का ग्लास रहेगा, जो हीरो का रथ रहेगा, जो हीरो का यूज किया हुआ भाला रहेगा, या हीरो का जूता रहेगा, उसका इतना तगड़ा तुम डिस्क्रिप्शन दोगे, इतने ज्यादा वर्ड यूज करोगे कि तब वो चीज आपकी एलिवेटेड बोली जाएगी। नॉर्मली मैं बोलूं कि जूते, वो जूते में आ गया, तो जूते में आ गया ये हो गया नॉर्मल सी चीज। और मैं बोलूं कि जब वो चल रहा था, उसके पैरों के जो जूते थे वो जो है पर्वतों के समान थे, उसमें जो डिजाइन की गई थी वो डिजाइन जो है दक्षिण भारत के जो मतलब कलाकृतियां हैं उससे भी बढ़ चढ़ के थी, ये हो गया एलिवेटेड स्टाइल। तो एलिवेशन का मतलब ही होता है किन्हीं भी चीजों को आप नॉर्मल वे में न बोल के उसका इतना तगड़ा तुम उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। एक टाइप से ये एक सिमली होती है। एलिवेटेड स्टाइल क्या होती है? एक टाइप से जो है ये सिमली हो जाती है आपकी, कि आप उसका जैसे रथ से आ रहा है, तो रथ का ही डिस्क्रिप्शन इतना तगड़ा दिया जाएगा कि उसी को लिखने में पता चला एक पैसेज तुम्हारा खत्म। आखिर ये इतनी बड़ी बन क्यों जाती है? बनने का सबसे बड़ा रीजन है कि कहानी तो है, लेकिन कहानी का डिस्क्रिप्शन इतना तगड़ा दिया जाता है, उसमें उसके भाले के बारे में वर्णन होगा तो पता चलेगा 4-5 लाइन तो भाला ही खा गया उसका। अब जैसे क्लियोपेट्रा का तुमने पढ़ा होगा, क्लियोपेट्रा जिस उस पे बैठी रहती है, नाव पे बैठी रहती है, नाव में जो डिस्क्रिप्शन नाव का किया गया है, द बार शी सैट लाइक बर्निश द थ्रोन, कुछ ऐसे करके है, ये कुछ कुछ हद तक एलिवेटेड स्टाइल ले रहा है ये, समझ रहे हैं? जैसे सिंपली वो नाव से जा रही थी, ये भी बोला जा सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ जिस नाव से जा रही थी उसमें इतने हीरे मोती जड़े थे, उसमें ये लगा था, उसमें वो लगा था, ये मैं नाव का जो है भौकाल बना रहा हूँ। तो सामान्य से शब्दों में आप बोल सकते हो किसी भी चीज का, जब आप उसका जो है भौकालीकरण कर देते हो, या उसका जो है बढ़ा चढ़ा के आप उसका वर्णन करते हैं, मतलब ले लो 2-4 पेज जो है उसके लिखे में, तो वो चीज हो जाती है तुम्हारी जो है एलिवेटेड।
डिस्क्रिप्शन माइन्यूट माइन्यूट चीजों का तुम जो है उसका बहुत अच्छे से करो, मतलब जो छोटी चीज भी हो हीरो की या हीरोइन की, या उसमें जो उसका सेंट्रल फिगर होगा उसके जो भी छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, तुम उसको इतना ज्यादा वैल्यू दे के उसको लिखोगे। और वैल्यू देने में भी जो आप शब्द यूज करेंगे वो ग्रीक के होने चाहिए, लैटिन के वो शब्द होने चाहिए, वो पहले से निर्धारित हैं। फॉर्मल का मतलब ही यही हो गया, वो नियम पहले से निर्धारित, वो शब्द पहले से निर्धारित, वो स्टाइल पहले से निर्धारित, आप अपने मन के मनमानी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है फॉर्मल पोएट्री है, तो फॉर्मल पोएट्री है तो मतलब उसका नियम पहले से बना है, आपको वहां कुछ नहीं करना है, बस अब तुमको नकलची बंदर वहां बन जाना है। तो जहां जहां तुम नकलची बंदर बनते हो वो चीज समझ लेना फॉर्मल है। बात समझ में आई आपको? चलो अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि वो बोली जाती है, मतलब वो लिखी जाती है फॉर्मल स्टाइल में, एलिवेटेड स्टाइल में, ठीक। दूसरी चीज, सेंटर्ड ऑन ए हीरो, ऑन कोएसी डिवाइन फिगर। कोएसी मतलब डिवाइन का मतलब होता है, डिवाइन फिगर का मतलब होगा अब वो सामान्य मानव नहीं रहेगा, दैवीय मानव रहेगा, दैवीय मानव रहेगा या दैवीय मानव के समतुल्य रहेगा। जैसे एडम यू, तो एडम यू सामान्य मानव है, जो उसका हीरो रहेगा वो आपका सामान्य इंसान नहीं रहेगा, असामान्य इंसान रहेगा। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद जो उसके एक्शन किए जाएंगे भाई, जब असामान्य मानो तो उसके एक्शन जो है आपके जो है असामान्य एक्शन हो जाएंगे, और उसके जो वो कार्य करेगा वो ये नहीं कि उसका कार्य उसी तक सीमित रह जाएगा, उसका असर उसकी पूरी जाति पे पड़ेगा, उसका असर उसके पूरे देश पे पड़ेगा, उसका असर पूरे संसार पे भी पड़ सकता है। अब जैसे आपकी पैराडाइज लास्ट लिखी गई है, एडम यू दो करेक्टर हैं, एडम यू दो करेक्टर हैं, तो एडम ने जो काम किया है वो पूरी मानव जाति पे पड़ा है, मतलब पूरे यूनिवर्स पे पड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक्शन एडम तक ही सीमित हो गया। अब जैसे जो आपकी माओ की पिक होती है उसमें जो कौन सा था, बिलिंडा थी, तो बिलिंडा का एक्शन किस पे पड़ा, पूरी महिला जाति पे पड़ गया, महिला जाति पे तो पड़ा नहीं, स्पेशली वो बिलिंडा, बिलिंडा जो कृत्य वहां पे कर रही है वो क्या वो कृत्य सारी महिलाएं करती हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो यू यू करके गई, जो एडम करके गए, उसका असर हम लोग भी झेल रहे हैं, वो हमारे ऊपर लागू हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो जो हीरो होगा वो कोई सी डिवाइन फिगर का होगा, उसके जो कृत्य होंगे वो भी आपके जो है कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड वाले जो है उसके कार्य होंगे, और वो कार्य का असर या तो आपकी ये पूरी जाति पे पड़ सकता है, पूरी जात कहने का मतलब जैसे जैसे ठाकुर जात हुई, तो कुछ ऐसा कोई जो है काम करेगा कि वो पूरे ठाकुर समाज के ऊपर जो है असर डाल सकता है, समझ रहे हैं? या जो है जैसे कोई भारतीय है तो वो ऐसा कुछ काम करेगा कि वो पूरा जो है अब पूरा इंडिया उससे प्रभावित हो जाएगा, या आपका इंडिया नहीं प्रभावित हो रहा है तो पूरा संसार प्रभावित हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये इतने इसके रिक्वायरमेंट हैं। ये देखो यहाँ लिखा है, उसका जो फेथ होगा ट्राइब पे असर डाल सकता है, नेशन पे असर डाल सकता है, और या पूरी मानव जाति पे असर डाल सकता है। बात समझ रहे हैं? अब ये हो गया, आप क्या ये इस इपिक का आप स्ट्रिक्ट सेंस समझे। ये अभी तक हमने आपको क्या बताया, इपिक की क्राइटेरिया कि इपिक में क्या क्या चीज होनी चाहिए। जैसे समोसा, तो समोसा में क्या चीज होना चाहिए, तो सर बताओगे मैदा होगा, उसके उसके बाद सर उसमें रिफाइन होगा, आलू मिलेगा, मसाला मिलेगा, इतनी चीज मिलेगी। तो इपिक में ये चीज आपको पढ़ने चाहिए। उसकी क्या होगा, लॉन्ग नैरेटिव वर्स होगा, सीरियस सब्जेक्ट पे जो है वो होगा, और वो जो है लिखा या बोला जाएगा फॉर्मल स्टाइल में, एलिवेटेड स्टाइल में, ठीक। और उसका जो हीरो होगा वो कोएसी डिवाइन फिगर वाला होगा, और उसके कार्य पूरी मानव जाति को प्रभावित कर सकते हैं, पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं, या वो अपनी जो है एक पर्टिकुलर जाति को प्रभावित कर सकता है। इतनी हो गई इपिक की रिक्वायरमेंट। अब इपिक दो टाइप का होता है, दो टाइप का क्या होता है, एक होता है तुम्हारा लिटरेरी इपिक और दूसरा आपका होता है ट्रेडिशनल इपिक, समझ रहे हैं? एक आपका होता है लिटरेरी इपिक और एक होता है ट्रेडिशनल इपिक। ट्रेडिशनल इपिक को ही आप फोक इपिक बोलते हो, और इसी ट्रेडिशनल इपिक को आप प्राइमरी इपिक भी बोलते हैं। तो ये तीन पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हैं, इनको याद करना कि ट्रेडिशनल इपिक बराबर फॉक इपिक और जो है फॉक इपिक बराबर आपका प्राइमरी इपिक, समझ रहे हैं? ये सब इसके सिनानिम्स हो गए। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये देखो नाम से ही आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते। फाक का मतलब क्या होता है, फाक कहीं भी लग जाएगा वो ओरली ट्रांसमिट परंपरा का पालन जो है करेगा। जैसे हिंदी में तुमने क्या श्रुति का नाम सुना है, श्रुति, श्रुति
श्रुति जो है हिंदू दर्शन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिटेन में नहीं है, वो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में चली जा रही हैं। जैसे कुछ ऐसे रिचुअल्स आप लोगों के होते हैं जो रिटेन में नहीं है, कहीं लिखे नहीं गए हैं, वो मेरे बाबा जी करते थे, बाबा जी से उसको देखते देखते मेरे पापा सीख लिए, मेरे पापा से मैं सीख लिया। तो इसका कहीं कोई लिखित जिक्र नहीं होता है, एक परंपरा से दूसरी परंपरा में ये चीजें चली जाती हैं। तो ऐसी इपिक जो पूर्वजों से जो है दूसरे पूर्वज में, दूसरे पूर्वज से दूसरे पूर्वज में, फिर आज मेरे तक वो चीज पहुंची है, लेकिन उसका रिटन में कोई जिक्र नहीं है। वो कहानी सुनते सुनते याद हो गई मेरे पापा को, फिर वो कहानी सुनते सुनते मैं उसको याद कर लिया। ये ट्रेडिशनल कोई भी चीज अगर जो फॉलो करेगा तो उसको आप बोलोगे फाक्ट। अब इपिक तो ऐसी इपिक जो इस परंपरा को फॉलो कर रही है, कहने का मतलब हमारे बाप दादा सुने उसको, फिर बाप दादा के पापा सुने, पापा से जो है उसको मैं सुन रहा हूँ, ये इपिक आपकी फाक इपिक हो गई। और अगर जो इसी फाक इपिक को किसी लिटरेरी पर्सन ने लिख दिया तो अब ये लिटरेरी इपिक बन गई। कहने का मतलब ट्रेडिशन तुमने किसका फॉलो किया, फाक वाला फॉलो किया, तो तुमने उसको जो है रिटेन वाले मैटर में डाल दिया, अब से लिटरेरी इपिक हो गई। बात समझ में आई आपको? यही दोनों में आपका अंतर है। तो फाक इपिक भी आपकी लिटरेरी इपिक बन सकती है, बशर्ते उसका जो है ट्रेडिशनल इमिटेशन किया जाए। चलो ये हो गया आपका लफड़ा बवाल। ये देखो यहां लिखा है कि डेलिबरेट इमिटेशन किसका होता है, ट्रेडिशनल फॉर्म का ये होता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, इपिक के एलिमेंट्स आपने जाने, इपिक आपकी दो टाइप की होती है, दोनों का आपने क्राइटेरिया समझा, और पहली वाली इपिक जो आपकी फॉक इपिक होती है, ट्रेडिशनल इपिक होती है, प्राइमरी इपिक होती है, इसके सिनानिम्स आपको याद करने हैं। अब तुमको ये देखना है कि कौन सी इपिक जो है तुम्हारी फॉक इपिक है और कौन सी इपिक तुम्हारी लिटरेरी इपिक है। जैसे फॉक इपिक के यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, सबसे जरूरी आपकी परीक्षा के लिए बियोउल्फ, बियोउल्फ याद रखना, इलियड है, ओडिसी है, ये सब आपका जो है क्या फॉक ट्रेडिशन को फॉलो किया है। और उसके बाद ये वर्जिल की जो है नीड यूनिड आती है आपकी, आपकी पैराडाइज लास्ट है, ये सब लिटरेरी इपिक में जो है इसका गिनती होता है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद आपका जो है, अच्छा अरिस्टोटल ने इपिक को जो है सेकेंड वैल्यू दी है, ये सब आप इसको जो है यहां से जानते हैं। फिर उसके बाद अब फर्दर जो है इपिक का जो है, फिर इन्होंने कुछ और क्राइटेरिया बताया। ये तो अभी जो मैंने आपको बताया ये रफली क्राइटेरिया बताया, तो इन्होंने विस्तारीकरण वहीं नीचे और थोड़ा कर दिया। क्या कर दिया है कि जो हीरो होगा ग्रेट जो है नेशनल मतलब कास्मिक स्तर का होगा, मतलब उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ग्रेट स्तर का इम्पोर्टेंस होगा भाई, जब वो डिवाइन फिगर होगा तो ग्रेट तो हो ही जाएगा, उसके एक्शन भी ग्रेट होंगे। दूसरी चीज आप यहाँ कहने, सेटिंग उसकी जो होगी इपिक की जो सेटिंग होगी वो एम्पल होगी, वर्ल्ड वाइड होगी। समझ रहे हैं? सेटिंग का होता है, सेटिंग का मतलब होता है वो किस माहौल में लिखी गई है या जो है किस वातावरण में लिखी गई। तो जो उसका वातावरण लिखा जाएगा, जो उसका माहौल रहेगा, जो उसका मूड रहेगा, जो एम्बियंस रहेगा, वो वर्ल्ड वाइड होगा, हल्का फुल्का नहीं रहेगा। सिंपल सी चीज ये समझो कि जैसे बड़ा आदमी तो उसका कुत्ता भी बड़ा, उसकी गाड़ी भी बड़ी, उसका घर भी बड़ा, बस वही सिस्टम यहाँ है। इपिक बड़ी चीज है तो स्टाइल भी इसकी बड़ी है, खूब ज्यादा लिखने में शब्द यूज कर रहा है, और जो है हीरो भी इसका खूब बड़ा है तो इसके एक्शन भी बड़े हो गए, इसका हीरो का जो है जूता भी बहुत बड़े स्तर पे जो है वर्णन किया जाएगा। बस वही चीज है, घूम फिर के यहीं पे आप पहुंचोगे। और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एलिमेंट्स भी शामिल किए जाते हैं, समझ रहे हैं? कोई सी डिवाइन फिगर वही लिखा गया है, सुपर नेचुरल आपके एलिमेंट्स यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। अच्छा, इन्हीं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को न्यू क्लासिकल एज में मशीनरी बोला गया है, समझ रहे हैं? और मशीनरी बोलने का कारण क्या है, मशीनरी बोलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जब स्टेज पे तुम मंचन करोगे तो बिना मशीनों की सहायता के इनका तुम जो है स्टेज पे ला ही नहीं सकते हो भाई। वो मानव तो है नहीं, लेकिन उनको मानव जैसे बुलवाना है। कभी कठपुतली का नाच तुमने देखा है, वो तो छोटे स्तर की चीज है, अब वही कठपुतली को बहुत बड़ा कर दिया जाए तो उसमें कुछ न कुछ आप उपकरण लगाएंगे, कुछ न कुछ यंत्र लगाएंगे अपने मतलब समय के हिसाब से, समझ रहे हैं? तो मशीन जैसे हो गया, तो वही सुपर नेचुरल एजेंसी को न्यू क्लासिकल एज में मशीनरी बोला गया। जैसे निम्फ है, इन सब चीजों का अगर जो आप जिक्र उसमें कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने मशीनरी का यूज किया है। सेरिमोनियल इसका परफॉर्मेंस होता है, ये सब तो आपको पता ही है।
ग्रैंड स्टाइल हमने आपको बता दिए है कि ग्रैंड स्टाइल में होगा क्या, डिक्शन इसके फॉर्मल होंगे। देखो फिर शब्द आ गया, फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, पहले से निर्धारित। तो पहले से निर्धारित कहाँ वाले शब्द आप यूज करेंगे, तो पता चला ग्रीक वाले शब्द यूज करोगे, लैटिन वाले शब्द यूज करोगे तुम, समझ रहे हैं। एलाबोरेट, अब एलाबोरेट क्या रहेगा, इसका जो है स्टाइलाइज्ड सिंटैक्स भी रहेगा, कहने का मतलब जो सिंटैक्स वो सेंटेंस आप बनाएंगे, सेंटेंस भी आपका जो है एलाबोरेट रहेगा। भाई जब शब्द मतलब आप एलाबोरेशन उसमें शब्द में आप दे रहे हैं, आप उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, तो सेंटेंस भी तो आपका एलाबोरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि तमाम जो है मतलब अल्यूजन्स, मतलब वो रेफरेंसेज आप तमाम यूज करते हैं देने के लिए, समझ रहे हैं। इमिटेशन आप लगाते हो, जैसे होमरिक सिमिलीज, ये एल्यूजन्स कैसे दिए जाएंगे, एल्यूजन्स इन्हीं के यूज से दिए जाएंगे, होमरिक सिमिलीज या एपिथेट्स इनके माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक, अब देखो नीचे कुछ चीज आपको और बताई गई है, दो चार टर्म है, इनको जानने की और जरूरत है। अब जैसे इसमें क्या है कि जो आपकी ये कंसाइज सेंस वाली पिक है, इसमें कुछ चरण और बताए गए हैं और उसका मूल्यांकन इन्होंने पैराडाइज लास्ट के आधार पे किया है कि मानक किसको माना है, पैराडाइज लास्ट को मानक मान के आपको कुछ इसके स्टेप्स बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। जैसे आपको इपिक लिखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका होना चाहिए आर्गुमेंट होना चाहिए या इपिक थीम होना चाहिए। ये क्या चीज होती है कि इपिक थीम, कहने का मतलब आर्गुमेंट किस मैटर पे तुम इपिक लिख रहे हो, ये चीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इपिक क्वेश्चन। अच्छा, इसी बीच में आर्गुमेंट में ही आप जो है देवी जी को जो है बुलाते हो, या जो उसके होते हैं ना, जैसे कोई घर में आप काम करने जाते हैं, सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करते हैं, उनसे आप बोलते हो कि मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। तो सेम ये है, इनको भी लग रहा है मैं इस मतलब मैटर पे चीज लिखने जा रहा हूँ, आप इसमें हमारी मदद करिएगा। फिर अब आपकी जब कहानी शुरू होगी, तो कहानी कैसे शुरू होती है, कहानी ऐसे शुरू होती है कि गॉड के सामने ये एक क्वेश्चन रखता है कि एडम यू को तो सर्व स्वर्ग में सब कुछ मिला था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उनको कौन सी ऐसी जो है चीज जो है मतलब ग्रस्त की, परेशान की कि वो धरती पे आ गए, कौन सी ऐसी चीज ग्रस्त की, ये आपका हो गया इपिक क्वेश्चन। अब इसी इपिक क्वेश्चन के आंसर में तुम्हारी पूरी इपिक लिख दी जाती है, तो और मतलब इसी के उत्तर में ही तो जो है जॉन मिल्टन ने पूरी इपिक लिख डाली। और इपिक जब लिखा जाता है, मतलब इपिक की नैरेटिव, मतलब इपिक की कहानी, तो इपिक की कहानी लिखने की भी परंपरा है। क्या परंपरा है कि कहानी का सबसे शुरुआत शुरुआत से आप नहीं लिखोगे, मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप जो है कहानी स्टार्ट नहीं करेंगे। कहानी आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आधे पार्ट से, मतलब बीच से तुम कहानी शुरू करोगे। अब भले आगे आधा वाला पार्ट तुम पीछे ले जाके सुनाओ, शुरुआती वाला पार्ट पीछे ले जाके सुनाओ, लेकिन इपिक लिखने में, क्योंकि ये फॉर्मल पोएट्री आपकी है, तो फॉर्मल पोएट्री है तो इसमें फॉर्मेलिटी बनी है। तो जो जब इपिक की कहानी तुम शुरू करोगे, जैसे सबसे पहले तुमने इपिक थीम डाली, फिर उसके बाद इन्वोकेशन किया, मतलब देवी देवता की पूजा की, फिर उनके सामने अपना क्वेश्चन रख रहे हो कि मैं कि ऐसी क्या चीज हुई कि उनको धरती पे आना पड़ा। अब इस चीज इसके आंसर के रूप में तुम्हारी पूरी इपिक लिख गई, इपिक नैरेटिव पूरी लिख गई। तो इपिक नैरेटिव आपकी इन मिडास रेस, मतलब इन द मिडिल ऑफ थिंग, मतलब इससे शुरू की जाती है। कहानी एकदम शुरुआत से आपकी नहीं बताई जाए, वो बीच से बताई जाए। जैसे फॉलन एंजल्स, कहानी कहाँ से पैराडाइज लास्ट की शुरू होती है, फॉलन एंजल्स से शुरू होती है आपकी, समझ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये पैराडाइज लास्ट 1 से 49 तक, एक लाइन से 49 लाइन तक तुम्हारा जो है नैरेटिव नहीं शुरू है, वो नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव तुम्हारी कहाँ से शुरू है, कहानी 50वीं से शुरू है। देखो इन मिडास रस, ये फ्रेज आपको याद रखना है। फ्रेज क्या है, ये फ्रेज किसके लिए यूज हुआ है, इपिक की नैरेटिव के लिए यूज हुआ। इसका मतलब क्या है कि इपिक की कहानी शुरुआत से नहीं की जाती है, बीच से बताई जाती है। ये परंपरा है, ये डिकोरम है कि आप उसको जो है बीच से बताएंगे कि फॉलन एंजल्स कहाँ, वो जो क्या था उसे झील थी, नरक क्या उसको था, जो वहां पे वो लोग जो है गर्मी वाला माहौल जहाँ वो लोग पड़े थे। अब स्टार्टिंग को तुमको थोड़ा ना बताया गया कि ये भगवान से मार किए, पीट किए, ये किए, ये सब कुछ नहीं। ये सब जब आप आगे कहानी पढ़ते जाते हैं, तब वो सब सारी चीजें पता हो जाती हैं। शुरुआत में हल्का सा इंट्रो दिए हैं, फिर उसके बाद आपकी कहानी फॉलन एंजल्स से ही शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई आपको? आपको नहीं लगता है इपिक कुछ ज्यादा लंबा हो गया? बताओ। सुन रहे हैं, भाग गए सब।
देखो स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया था कि ये जो मैं आपको बताया हूं, ये कि कौन सी इपिक बताया हूं, मैं आपको अभी तक जितना बका हूं ये आपको स्ट्रिक्ट सेंस वाली इपिक बताया हूं। अभी तक हमने आपको क्या बताया, स्ट्रिक्ट सेंस वाली इपिक बताई है। अब आ जाओ ब्रॉड सेंस वाली इपिक, वो नीचे आ जाओ आप। जो आपकी ब्रॉड सेंस वाली इपिक है तो वो क्या, इपिक की जो एलाबोरेट जो है स्टाइल है या एलाबोरेट चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को ये लेके जो है पूरा वो कर दिया जाता है। तो एलाबोरेट चीज आप ले रहे हो, उसकी जो है ग्रैंडियोरिटी आप ले रहे हैं, सारी चीजें आप नहीं ले रहे हैं। मतलब आप इपिक के जितने नियम थे, स्ट्रिक्ट का मतलब एकदम सारे रूल रेगुलेशन जो इपिक के हैं एकदम अच्छे से तुम उसका पालन करो। अब ये क्या है, ये ब्रॉड सेंस इपिक का शुरू होता है। ब्रॉड सेंस क्या है, जैसे इस इपिक का ये ग्रैंडियर ले लिया, समझ रहे हैं, उसकी जो नैरेटिव जो है टेक्निक है वो ये ले लिया, सारी चीज नहीं ले रहा है। तो अब यहाँ जो इपिक बन रही है, यहाँ ये इसी टाइप की इपिक बन रही है, कहने को तो ये इपिक है लेकिन इन्होंने इपिक के सारे, जैसे ये फेरी क्वीन हुई, डिवाइन कमडी हुई, ये इपिक के सारे रूल को फॉलो नहीं किया है। अब इसी में देखो बार्गस इपिक भी आ गई। बार्गस इपिक क्या है, एक्चुअली ये बार्गस इपिक इपिक का स्ट्रिक्ट सेंस ये है ही नहीं। ये क्या है, जॉर्ज ल्यूकस एक थे, इन्होंने जो है कुछ ऐसे नॉवेल थे जिनमें जो है रियलिटी को रिफ्लेक्ट किया गया है। अब वो कैसी रियलिटी थी, पूंजीपतियों का, कहने का मतलब ब्रॉड स्केल दिखाना था या पूंजीपतियों का जो क्षेत्र दिखाना था या समाज की वो हकीकत जो पूंजीपति लोग प्रभावित कर रहे हैं उसको अपने जो नाबिलों में इन्होंने डाला है। तो ऐसे नाबिलों को इन्होंने क्या टर्म दे दिया है, बारुगस इपिक। बारुगस इपिक क्या इपिक है बताना जरा, मैं बोलूं बारुगस इपिक इज ऑप्शन इपिक सॉनेट फलाना धमाका नाबिल, कौन सा टिक करोगे? तो बारुगस इपिक इपिक नहीं है, बारुगस इपिक क्या है आपका, ये नाबिल है। ये चीज आपने ध्यान दिया, और ये आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये इपिक के लूज सेंस वाली चीज आप यहाँ नीचे आप अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ इपिक के सारे रूल रेगुलेशन से फॉलो नहीं हो रहे हैं आपके, समझ रहे हैं? जैसे ग्रैंड्योरिटी ले लिया गया थोड़ा मोड़ा तो उसी के तो समतुल्य चीजें हो गई। चलो बहुत हो गया इपिक, अब आ जाओ इपिक सिमिलीज। इपिक सिमिलीज क्या चीज होती है, देखो सिमली आपने पढ़ा होगा, सिमली में दो चीज होती है, एक होता है टिनर और दूसरा होता है वेकिल। टिनर और वेकिल इपिक में, ओ सॉरी सिमली में दो चीज होती है। तो टिनर वो चीज होता है जो बेस होता है और वेकिल वो चीज होती है जिससे कंपेरिजन किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि योर फेस इज लाइक मून, योर फेस इज लाइक मून, तो जो योर फेस है, योर फेस उसको बोलेंगे टिनर। वो क्या चीज है, टिनर। फेस जो हो गया टिनर हो गया, मून क्या है, मून ये हो गया वकील, जिससे तुम कंपेरिजन करते हो वो हो जाता है वकील, जो मेन रहता है उसको टिनर बोला जाता है। तो अब ये इपिक सिमिलीज में क्या होता है, ये अब जैसे मैंने क्या बोला, योर फेस इज लाइक मून, तो इसकी जो वकील है बताओ कितने शब्दों की है, लाइक मून, बताइए कितने शब्दों की है, सर एक एक शब्दों की है। ठीक, अब आपने क्या पढ़ा था, एक है सर। इपिक में लाइक से एज से शुरुआत होती है, यही तो आपने पढ़ा था कि इपिक की शुरुआत लाइक से होती है एज से होती है। अब यहां देखो इपिक सिमिली, ये देखो एज, एज मिला, एक मिनट रुक जाना, ये देखो एज आपको मिला, एज के बाद ये देखो बीज और ये पूरा इतना सब शुरू है, जाने दो, फिर जाने दो, चल रहा है ये सब क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक लिखोगे ये क्या चीज है, ये वकील है, ये आपका क्या है, पूरा वकील है। तो जब वकील तुम्हारा इतना लंबा हो जाता है, कहने का मतलब इपिक सिमली उस सिमली को तुम बोलोगे जिसमें वकील बहुत लंबा कर दिया गया हो, यही है इपिक सिमली। इपिक सिमली को लॉन्ग टेल सिमली भी बोलते हैं, टेल का मतलब पूंछ होता है, तो जो इसकी वकील है ये पूंछ की तरीके से देखो बहुत लंबी बनती चली गई, पूंछ बनी कि नहीं बनी, पूंछ लंबी होती है कि नहीं होती है, तो वही ये पूंछ ही तो ये जोड़ते चले गए, इसके बाद ये लंबी लंबी पूंछ आप बना डाले सब।
इपिक सिमली, लॉन्ग टेल सिमली, होमरिक सिमली, सब वही सिमली है। कहने का मतलब जिसमें आप वकील खूब बड़ी कर दो, हो गई वो इपिक सिमली। इपिक थिएटर क्या होता है, पूरा माहौल ही आज इपिक कर दिया इसने। एक बिटोल ब्रिज थे, एलाइनेशन इफेक्ट इसके पहले आपने पढ़ा होगा, ये देखो हाँ यहाँ पे जिक्र भी किया गया है। तो एलाइनेशन इफेक्ट जो है हमने आपको पहले बताया था, तो बिटोल्ड ब्रिज महोदय ने क्या क्या किया था कि एलाइनेशन इफेक्ट लगाने के लिए जो उन्होंने स्टेज बनाया था, स्टेज को उन्होंने जो है काफी बड़ा बनाया था, क्योंकि वहां उन्होंने जितने भी उसके करेक्टर यूज किए हैं, आदमी यूज किए हैं, जो भी यूज किए हैं, तो सब मशीनों के माध्यम से उन्होंने, जैसे आदमी की लंबाई अमूमन 6 फिट के आसपास होती है, तो उसमें उन्होंने 12 फिट के आदमी दिखाए हैं। आपकी कुर्सी मुश्किल से 3 फुट 2 फुट की हो सकती है, तो उन्होंने कुर्सी 10 फुट की दिखाई है। भाई बड़ा आदमी तो बड़ी कुर्सी, समझ रहे हैं? तो इसको करने के लिए तो फिर उनको थिएटर भी बहुत बड़ा बनाना पड़ा। थिएटर की लंबाई अमूमन बहुत होती होगी, 10 फुट की होगी, तो इन्होंने 25 फुट का बनाया होगा, अनुमान के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो इपिक थिएटर कहने का मतलब एक ऐसा थिएटर होता है कि, अच्छा इसको इपिक नाम क्यों दिया गया, इपिक नाम इसकी ग्रैंडियोरिटी के कारण दिया गया कि चीजें अब यहाँ सामान्य नहीं है, यहाँ असामान्य हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, बात समझ रहे हैं? तो ऐसा थिएटर जहाँ आप, कहने का मतलब मशीनरी का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सामान्य से असामान्य वाली स्थिति वहां आप यूज कर रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए थिएटर को तुमको ज्यादा जगह चाहिए। तो वही चीज हो गया आपका इपिक थिएटर। अब ये दिया किसने था, ये बिटोल्ड ब्रिज ने दिया था। बिटोल्ड ब्रिज ने ये सब ऐसा किया क्यों, तो एलाइनेशन इफेक्ट लगाने के लिए किया। अच्छा एलाइनेशन इफेक्ट क्या होता है, पुराने लोग इसमें कुछ हैं, जब सारे तो पुराने हो, क्योंकि एलाइन इफेक्ट तो इसके पहले आया होगा, बताओ जरा एलाइनेशन इफेक्ट क्या चीज होती है, कोई बताएगा, बताने की जरूरत करेगा? एलाइनेशन इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस इफेक्ट, दूरी का अच्छा मैं प्रभाव, दूर बोलूं, का जो असर। मैं आपसे बोलूं कि एप्पल क्या होता, हम मैं बोलूं सेब क्या होता है, तो तुम बोलो सर एप्पल, एप्पल क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर सेब। तो ये एप्पल सेब वाली कहानी आपने बताओ। आप ये बताओ कि जैसे मैं क्लास 6 का विद्यार्थी हूँ, एलाइनेशन इफेक्ट मैं आपसे पूछूं क्या है, आप हमको कैसे समझाओगे, वो चीज आप हमको बताओ, तब मैं जानू कि पचा है कि नहीं पचा है। एंटानिम सिनानिम्स ना, वो सब ना बताओ आप, कि मैं सिनानिम्स की मुझे जरूरत है, मैं उसका भाव समझना चाहता हूँ। एलाइनेशन इफेक्ट है क्या, कोई बताएगा? जी सर, जैसे कि जो वो है ऑडियंस है उसको इमोशनली वो ज्यादा अटैच्ड ना रहे। सर जैसे हाँ, अब जो कुछ कुछ आप चीजें हम, सर जो चीजें हमसे सिमिलर होती है उससे हम अटैच हो जाते हैं, तो इसमें क्या रहता है, तो चीजें सिमिलर नहीं रहेगी, डिससिमिलर रहेगी। जैसे हम अटैच नहीं होंगे तो उससे अटैच नहीं होंगे, तो उसकी जो उसमें कमियां रहेंगी उसको हम प्रोटेस्ट करेंगे उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो यही सब चीजें इसमें थी सर। अब कुछ हद तक आप लोग पहुंच रहे हैं। देखो एलाइनेशन इफेक्ट क्या होता है, एलाइनेशन इफेक्ट का को ही बोला जाता है डिस्टेंसिंग इफेक्ट, स्टेंजमेंट इफेक्ट, ये सब इसके सिनानिम्स हैं, ठीक। अच्छा ये होता क्या है, होता ये है कि जैसे आप हैमलेट को तमाचा पड़ा, या हैमलेट को दुख हुआ तो तुमको भी दुख हो गया, हीरो पता चला कि हीरो को मार पड़ रही है तो आप भी दुख को फील कर रहे हो। तो बिटोल्ड ब्रिज ने क्या सोचा कि जब जनता इमोशनली किसी चीज से अटैच हो जाएगी, तो उसका, जब आप इमोशनली किसी से अटैच होते हो तो तुम्हारी तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपको लग रहा है जैसे इमोशनली किसी, आप किसी के लिए इमोशनली आप अटैच होके देखो, आपको लगेगा कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आप बेवकूफ बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि अब आपके इमोशन प्रभावी हो गए, अब आपके तर्क प्रभावी नहीं है। तो बिटोल ब्रिज का क्या मानना था कि मुझे एक तार्किक समाज का निर्माण करना है, मुझे एक ऐसे समाज का निर्माण करना है कि जहां तर्क को प्रधानता दी जाए, तार्किक मतलब लॉजिकल इंसान पैदा हो, समाज में लॉजिकल लोगों की जो है संख्या बढ़े। तो उसने क्या किया, अब जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है, आप समझ रहे हो, और समाज भी साहित्य का दर्पण होता है, उल्टा भी तो चल सकता है, इधर का उधर, उधर का इधर। तो इसने क्या किया, इसने साहित्य से ही सुधार करना शुरू किया, मतलब लिटरेचर में इसने ऐसी चीजें डाली कि अब इमोशनली आप उससे अटैच ना हो पाओ, करेक्टर से अटैच ना हो पाओ। अब जैसे हेमलेट 4 फुट का 5 फुट का 6 फुट का आदमी है,
उसको नेचुरल जैसे तुमको दिख रहा है, हमें भी हाड़ मांस है, इसमें भी हाड़ मांस है, उसको दुख पहुंचेगा, आपको भी दुख पहुंचेगा। लेकिन वही हेमलेट 25 फुट का तुमको दिखाया जाए, उसके शरीर की स्किन ऐसी हो कि आपके शरीर के स्किन से मिलती ही ना हो, ठीक है, पूरा लकड़ी की स्किन तुमको मिल जाए, उसको मार पड़ेगी, उसके पेट में छुरा भोंक दिया जाएगा, तो तुमको क्या उतना ही दर्द होगा, उतना ही तुम पेन का फील करोगे जितना जो है 6 फुट वाले जो है हेमलेट को चौंका जाता तब फील करते, तब तो उतना करोगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दर्शक इमोशनली अटैच ना हो पावे, और इमोशनली क्यों नहीं अटैच करवाना चाहते थे, ये इनको ये पता था कि अगर जो दर्शक इमोशनली अटैच हो गया प्ले से, तो उसका फिर दिल काम करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, और दिमाग नहीं काम करेगा तो बौखल पैदा होंगे फिर, और वो बौखल समाज बनाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि समाज तार्किक हो। अगर जो प्ले देखे आपने देखा, इमोशनली आप उससे अटैच नहीं हुए, उसमें कोई अच्छी चीज दिख रही है, आपने अप्रिसिएशन किया, आपको वहां कोई बुराई नजर आ रही है, आपने कहा कि नहीं यार ये तो फर्जी की चीजें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अब आप प्ले देखने के बाद समाज में भी गए, समाज में भी आपने कोई बुराई देखी, अब तुम्हारा तर्क काम कर रहा है, अब वहां भी तुम अपोज करे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यार ये तो गलत है सिस्टम, ये गलत हो रहा है, समझ रहे हैं। अब जैसे इमोशनली अटैच होने का एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे फटी पैंट शाहरुख खान पहने टहल रहे हैं कुकर नोची, मतलब उसको देखने के बाद ऐसा लगता है साला उतना फटा कपड़ा भिखारी नहीं पहनता है। अब वो पहन लिए, आप इमोशनली उनसे अटैच हैं, तुम्हारा बुद्धि नहीं काम कर रहा है, इसको पहनने के बाद मैं साला फकीर लगूंगा कि लैला मजनू लगूंगा, उससे तुमसे नहीं मतलब। और तुम्हें पता चला उसको ले आए, वो जीन्स तुम लाए, वो फटी पैंट लाए, ज्यादा पैसे दे के लेके आए, अब पूछ अरे सर ये तो डैमेज पैंट है। स्कूल स्कूल में भी आजकल लोग कुछ बच्चे बच्चे पहन के आते हैं कुकर नोची पैंट। तो अब ये आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके तर्क करने की क्षमता खत्म हो गई, आपको लग रहा है फटी पुरानी पैंट है, मैं उसको ज्यादा पैसे क्यों दे रहा हूँ, पहनूं सलीके से पहनूं जो चार लोग जिसका अप्रिसिएशन करें, आप इमोशनली अटैच हैं इसलिए आप गंदी चीजों का भी कर रहे हैं। पता चला वो मूवी में जो है उनको बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है, दो दो पैग मारे हैं, लगाए हैं बैठ के विस्की, वो आप भी देखे, अच्छा इनको बड़ा गम है, इन्होंने विस्की पिया था, मैं भी पी रहा हूँ, आप क्यों पी रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आप अटैच हैं, वहां डिस्टेंसिंग इफेक्ट नहीं लागू है। अगर जो डिस्टेंसिंग इफेक्ट होता तो तुरंत अपोज करते, साला ये जो है दारू पीने के बच्चों को सिखा रहा है, बंद करो यार मूवी, ऐसी मूवी होनी ही नहीं चाहिए। पता चला आधा तीहा कपड़ा पहने हैं, वहां नाच रहे हैं, आप भी ताली बजा रहे हो, चलो जय हो जय हो जय हो, ठीक। अगर जो आपका जो है एलाइनेशन इफेक्ट काम करता, डिस्टेंसिंग इफेक्ट काम करता, तुम कहते यार ये तो साले नंगा नाच दिखा रहे हैं, समाज बर्बाद हो जाएगा, आप उसका अपोज करते, समझ रहे हैं। तो ये बिटोल्ड ब्रीथ समझो इसी टाइप का इंसान था, वो सभ्य समाज बनाना चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि हीरो दारू पी रहा है तो तुम भी उसको देख के दारू पी लो, हीरो की सिचुएशन थी वैसा पीने। अब जैसे हीरो रस्टिक है, रस्टिक का वो जो है कहने का मतलब जैसे पिकारेक्स टाइप का वो जो है रोल प्ले कर रहा है, तब तो वो दारू पिएगा ही, गांजा पिएगा ही। अब तुम उसको आइडियल मान के तुम पीना शुरू कर दो, पता चला वो फटे ही पैंट पहने हैं, नाचने गाने वाले हैं, तुम नाचने गाने वाले नहीं हो और तुम भी वही शुरू कर दिए। बात समझ में आई आपको, बाकी सबकी अपनी अपनी शौक है। कभी कभी मैं भी फटे ही लुंगी पहन लेता हूँ, जैसे पैंट पहनने भर का मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लुंगी ही पहन के फटे ही पैंट का मजा लेता हूँ, समझ रहे हैं। ये हो गया आपका इपिक थिएटर, और बढ़ाई जाए क्लास, इपिक ग्रेम खींच दें आज। नहीं सर। चलो ना 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 खींच बहुत कर लीजिए। देखो इपिग्रेम क्या चीज होती है, इपिग्रेम आपका एक विटी स्टेटमेंट होता है, विटी स्टेटमेंट ऐसा होता है कि इसको सुनने के बाद इसमें जो चीजें बोली जाती हैं वो तुम्हारे दिमाग को हिट करती हैं और आप उस चीज को मानने के लिए कहीं ना कहीं परसुएड होते हैं, आप कहीं ना कहीं फुसलाए जाते हैं, समझ रहे हैं। और जो तुम्हारा ये इपिग्रेम होता है ये आपका वर्स में भी हो सकता है, ये प्रोज में भी हो सकता है, मतलब इपिग्रेम में दोनों के होने की संभावना होती है, ये वर्स में भी चला जाएगा, ये प्रोज में भी लिखा जाएगा। लेकिन अब सिर्फ प्रोज इपिग्रेम, अगर जो सिर्फ प्रोज इपिग्रेम है तो उसको एपोथिगम बोला जाता है, जो तुम्हारे प्रोज वाले इपिग्रेम है उसको एपोथिगम बोला जाएगा। और देखो नीचे लिखा है कहां, ये देखो एपोथिगम, ये आपके कौन से इपिग्रेम होते हैं, ये आपके प्रोज वाले इपिग्रेम होते हैं, मतलब इपिग्रेम पापा, उसके दो संतान, वर्ष वाली
और प्रोज वाली, और वर्स वाली का नाम स्पेशल कुछ नहीं पड़ा लेकिन प्रोज वाले का नाम पड़ गया। प्रोज वाले का नाम क्या पड़ गया? एपोथिगम। एपोथिगम है क्या? ये भी एपिग्रेम का ही बच्चा है, समझ रहे हैं। और एपोहोरिज्म, एपोहोरिज्म क्या होता है? ये एक जो है पिति पॉइंटेड स्टेटमेंट होता है, सीरियस मैक्सिम ओपिनियन होता है। किस पे होता है? जनरल ट्रूथ पे होता है। पिति का मतलब वो जो पूर्ण होगा, मतलब इसको सुनने के बाद आप में जो है लूज फीलिंग नहीं आएगी, समझ रहे हैं। पॉइंटेड होगा, पॉइंटेड का मतलब तुम्हारे दिमाग को हिट करेगा, सुनने के बाद पक्का है असर होगा, चौंक देगा सुई जैसे तुम्हारे दिमाग में। सीरियस मैक्सिम होगी, कहावत जो होगी सीरियस वाली होगी, इसको सुनने के बाद तुमको हंसी नहीं आएगी, सीरियस ओपिनियन आपका होगा, समझ रहे हैं। और किस पे होगा? जनरल ट्रूथ, मतलब ऐसा ट्रूथ जो सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद लोगों के ऊपर ही वो सत्य अप्लाई हो, वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये इतनी चीजें रहेंगी तो उसको आप बोलेंगे एपोहोरिज्म। और एपोहोरिज्म में भी एक टाइप से आपका क्या होता है? एपिग्रेम होता है। बात समझ में आई? चलो इसको यहीं तक समझ में, ठीक। फिर नमस्कार।